सारयां नूं खुदा नूं यीशु मसीह नासरी दे नाम च जैमसी दी मेरा नाम रेवरेंड खादम सोहता लिविंग वर्ड चर्च तो है और अहीं अज गल करांगे चिंता दे उत्ते। रेजिस पेंट्रो अज अहीं जानदे हां कि संसार भर दे विच हर एक इंसान चिंतावां दे विच फसिया है, खास करके इन्हां दिनां च कोविड-19 दे कारण दुनिया भर दे विच एक वड्डी दहशत फैल गई। लोग खास करके इस गल तो परेशान ने कि अहीं की करांगे, कारोबार किस तरह चलणगे, किस तरह परिवार चलेगा, जबकि इंसान दी हजारां चिंतावां ने। कोई बच्चों की चिंता करन डिया है, कोई अपने शरीर की चिंता करन डिया है, कोई कारोबार की चिंता करता पिया है, पर कोविड-19 के कारण इंसान की चिंता सब तो वड्डी है कि मैं आने वाले समय च की करांगा। मेरे अजीज भैन भरा, जो अं कलाम वेने ना कलाम ते परमेश्वर का कलाम सानू तसली दिंदा, प्रभु यीशु का कलाम तसली दिंदा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुसी किहे भी गल की चिंता ना करो। पतरस कहंदे ने तुसी अपना सारा भार खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते सुट दिओ, क्योंकि वह तुहाडी फिकर करदा, उहनूं तुहाडी चिंता वा। मेरे अजीज भैन भरा, खुदावंद यीशु मसीह मत्ती दे अंजील 6वें अध्याय च कहंदे ने कि कोई भी इंसान चिंता करके अपना एक दिन ना वधा सकता ते ना घटा सकता, एक पल नहीं अहीं वधा सकते, पर अज चिंतावां दे कारण मेरे अजीज भैन भरा इंसान भरिया है। और याद रखियो, प्रभु दे एक बड़े महान दास रेवरेंड KP यूहन्ना जिन्होंने एक किताब लिखी कि चिंता चिता के समान है। और अहीं कई वारी लोगों को सुनते हैं, कई लोग कहते हैं मैं बुजुर्ग नहीं होना, मेरे उत्ते बुजुर्गी नहीं होनी, मैं कमजोर नहीं होना, सिर्फ मैनूं चिंतावां खा गई, सिर्फ मैनू चिंतावां खा गई। कोई धी की चिंता करन डिया, कोई पुत्र की चिंता करता पिया है, कोई कारोबार की चिंता करन डिया है, कोई शरीर की चिंता करता पिया है, मेरा की बनेगा। पर कलाम कहन डिया, पतरस कहंदे ने तुसी अपनी सारी चिंता, अपना सारा फिकर खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते सुट दिओ, क्योंकि वह तुहाडा फिकर करदा। मेरे जीस पेंट्रो, आओ अज अहीं अपनियां सारियां चिंतावां खुदावंद यीशु दे हत्थां लईए। याद रखियो, बाइबल दे विच लिखा, मैं तुहाडे लई पढ़ांगा मत्ती दी अंजील 6वें अध्याय दे विचों 25-26 आयतों लिखिया, इस करके मैं तुहानूं आखदा हां जो अपने प्राणा दे लई चिंता ना करो भाई असीं की खावांगे या की पीवांगे, अते ना अपने शरीर दे लई जो की पहनांगे, भला प्राण भोजन नालों ते शरीर वस्त्र नालों वधीक नहीं। बाइबल बड़ा क्लीयर करदी है, खुदावंद यीशु मसीह कहंदे ने किहे वी गल की चिंता ना करो। 25 आयत दे विच लिखिया किहे गल की चिंता ना करो, इस गल की चिंता ना करो अहीं की खावांगे या की पीवांगे या की पहनांगे। कलाम च लिखिया जिहड़े तुहाडा शरीर है ना, तुहाडा शरीर नालों वध के मैं तुहाडे प्राणां दी अहमियत नूं रखदा। मेरे जीस पेंट्रो, याद रखियो साडा सिरजणहार जीवित परमेश्वर, अहीं बाइबल च पढ़दे साडे कोल हजारां तमसीलां ने बाइबल च, अहीं जाणदे हां अकाल दे समें च जिन्ने भी धरती उत्ते अकाल पए ने, अकाल दे समें दे विच खुदावंद अपने लोगों नूं पेट भर भोजन दिंदा रहा। अहीं एलिया दे बारे सब जानते हां, जब एलिया दे समें च 3.5 साल दा अकाल रहा, वचन दसदा 3.5 साल दे अकाल दे विच परमेश्वर ने अपने बंदे लई अजिहे प्रबंध कीते कि कां उहदे वास्ते रोटी और मास लै के आउंदे सी, कां उहदे लई प्रबंध करदे सन खाण दे लई। अज जरूरत साडे सभनां दी है कि अहीं हर हालात दे विच अपने फिकर अपनी चिंतावां खुदावंद यीशु ते सुट्टीए, पर जे अहीं अपने चिंताओं नूं अपने फिकरां नूं खुद लैके चलदे हां ते बाइबल दे अनुसार अहीं अंधविश्वासी होने हां। बाइबल दे अनुसार इह है कि सानूं मसीह दे उत्ते ईमान ही नहीं आ जे अहीं अपनियां चिंतावां अपने आप दे उत्ते लैके चलदे हां। तां ही खुदावंद दी यीशु मसीह एक तमसील दिंदे हन, 26 आयत दे विच उन्हां ने कहा है आकाश दे पंछियों वल वेखो, ना उह बीजदे ना उह वढदे हन ते ना भड़ोलियां च इकट्ठा करदे। लिखा ना बीजदे आ ते ना ही उह वढदे ने ना भड़ोलियां च इकट्ठा करदे ने, पर फिर भी तुहाडा स्वर्गीय पिता उन्हां दी प्रिंसिपल करदा। मेरे जीस पेंट्रो, समझण वाली गल इह आ, कलाम कहिंदा है आकाश दे पंछी सानू बहुत कुछ सिखाउंदे ने, अहीं उन्हां दे वल ध्यान नहीं करदे, प्रकृति सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है। सुलेमान कहंदे ने हे आलसी कीड़ी दे कोल जा और उहदे कोलों सिख्या लै। खुदावंद यीशु मसीह कहंदे आकाश दे पंछियां दे वल वेखो, ना बीजदे ने ना वढदे ने ना भड़ोलियां च इकट्ठा करदे आ। तुसीं जानदे जे तिन्ने काम कौन करदा, इंसान करदा है, तुही करदे जे मैं करदा हाँ, दुनिया दा हर एक बशर करदा है। अहीं बीजदे वी हाँ, अहीं वढदे वी हाँ और अहीं इकट्ठा वी करदे हाँ, पर फिर भी उस तो बाद साडियां चिंतावां खत्म नहीं हुंदियां।
फिर भी उस तो बाद अहीं चिंता च पे। अज जिहदे घर दे विच खाण दे लई नहीं है ओह ते चिंता करन डिया वा, पर जिहदे कोल खाण दे लई भरपूर पिया ना ओह भी चिंता च फसिया होया। जे खत्म हो गया फिर मैं की करांगा। खुदावंद यीशु मसीह कहंदे आकाश दे पंछियां वल देखो, ना बीजदे आ ना वढदे आ ना पड़ोलियां च इकट्ठा करदे ने, और ये तिन्ने काम ही इंसान करदे आ। और उत्थे बड़ी खास गल लिखी लिखा, पर फिर भी तुहाडा स्वर्गीय पिता जानवरां दा नहीं पशु पंछियां दा नहीं बल्कि बाइबल च लिखा इंसान दा वो पिता वो तुहाडा, बाइबल च लिखा तुहाडा स्वर्गीय पिता। भाई यीशु मसीह कहंदे ने तुसीं ये दुआ करियो ऐ साडे बाप, क्योंकि वह साडा बाप आ। और तुसीं जानदे जे एक बाप जिहड़ा ना बाप बाप अपने बच्चे दीआं सारीआं चिंतावां अपने उत्ते चुकदा है। बच्चा परेशान होवे ना बाप उहनूं कहिंदा पुत्तर तूं क्यों परेशान है, तैनूं किस गल दी चिंता, जद तक मैं जीदा हां। एक संसारिक बाप अपने बच्चे नूं तंगी च चिंता च वेख के कहिंदा है आए मेरे पुत्तर तैनूं की चिंता वा, मैं जीदा वा मैं मर नहीं गया। ते याद रखो साडा स्वर्गीय बाप सानूं कहिंदा है तूं चिंता ना कर, मैं तेरा पिता जीदा। बाइबल च नहीं लिखा जानवरां दा पिता हो पंछियां दा पिता वा, उहने उहनां नूं बणाया उहने उहनां नूं धरती उत्ते रख्या, पर बाप उह सिर्फ साडा ही है। जे साडा बाप जानवरां दी पशु पंछियां दी चिंता करदा ते की साडी नहीं चिंता करदा। मेरे जी इस टाइम तो आओ अज साडी जिहड़ी चिंता वा ना अहीं खुदावंद यीशु उत्ते रखीए। खुदावंद यीशु जी पता कहिंदे ने इसे जो अध्याय नूं पढ़दे ना छेवें अध्याय नूं, उन्होंने लिखा तुहाडी चिंता सिर्फ इस गल की होवे तुसीं मेरे राज ते धर्म की खोज करो, तुसीं मेरे राज ते धर्म की खोज करनी आ, ते बाकी जिहड़ियां चीजां दी तुसीं लालसा करदे ने जिन्हां चीजां दे लई तुसीं सोचदे ने उह सारियां तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिल जाणगीआं। कई वारी अहीं सुणदे आ है ना, अहीं अपने बच्चों नूं छोटिआं नूं कहिंदे जिहड़ा स्कूल च पढ़दा बच्चा ही कहिंदे पुत्तर तूं ध्यान दे नाल पढ़ मैं तैनूं साइकिल लै के दवांगा। हुण बच्चा बच्चा इस गल की चिंता करे पढ़ाई छड़ के सोचता रहे यार सैकल मेरा प्यो मैनूं किवें लै के देगा, कित्थों आएगा सैकल, इहदे कोल पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। उहदा काम चिंता करना नहीं, उहदा काम सिर्फ पढ़ाई करना। इसे तरह खुदावंद यीशु कहंदे ने तुसीं मेरे राज ते धर्म की खोज करो ते बाकी दुनिया दीआं चीजां जिन्हां दी तुसीं लालसा करदे जो तुहानूं अपने आप ही मिल जाणगीआं। अज साडी चिंता खुदावंद यीशु मसीह दे राज ते धार्मिकता च अग्गे वधण दी होणी चाहीदी आ, संसारिक गल्लां दी नहीं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਆ ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੁੱਟੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਹੂਨਾ 10:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਰਥਾ ਹੇ ਮਾਰਥਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਪੈਂਟਰਾਓ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਲੋਹੀਮ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਏ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿਕਮਤ ਅਜਿਹੀ ਦਿਨਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ। ਆਏ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ